फ्रेंड्स, मैं मोनिका आपकी गार्डनर दोस्त आज आपसे इस गंधराज का प्लांट आप देख रहे हो, ये देखिए अब इसमें बर्ड्स भी आने शुरू हुई हैं। ये देखिए ये बर्ड आने शुरू हो गई है, तो इस ये देखिए ये बर्ड आ रही है इसमें, अब इसमें बर्ड्स आने शुरू हो रही हैं मेरी। तो इसकी कटिंग कैसे लगानी है, वैसे तो देखिए मेरे को पता नहीं था बर्ड आने शुरू हो रही हैं, लेकिन फिर भी चलिए अब इसकी कटिंग कैसे लगानी है। यहाँ जैसे बर्ड नहीं आ रही, ये देखिए ये मैंने यहाँ से काटा था, इसकी कटिंग लगाई थी और देखिए नीचे से और ब्रांचेस आ रही हैं। तो कभी भी आप कटिंग करने से घबराइए नहीं, ये देखिए ये कटिंग मैंने की है और ये नीचे से दो ब्रांच आ रही हैं। तो जब भी आप प्लांट की कटिंग करेंगे तो वो और ज़्यादा बुशी होता है और उसमें डरने की ज़रूरत नहीं होती कि प्लांट जो है वो आपका ख़राब हो जाएगा। तो आज हम इसकी कटिंग कैसे लगानी है, देखिए यहाँ से भी ये काटा हुआ है और यहाँ से ये दो ब्रांचेस निकल रही हैं, तो ये ऐसे होता है। तो इसकी कटिंग की बात करते हैं हम, तो इसकी एक मैंने कटिंग ली थी, अभी मैं लगाने लगी थी लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ से शायद ये मुझे तो बर्ड ही लग रही है, और तो मैं सोचती हूँ अब इसको नहीं काटूँ। जो मैंने पुरानी कटिंग लगाई हुई थी मैं आपको वो ही दिखा देती हूँ कि इसकी कोई भी ऐसी ब्रांच लीजिए जो इतनी थिकनेस की हो, देखिए इतनी थिकनेस की, ये वाली पेंसिल जितनी थिकनेस की ऐसी वाली, और थोड़ी सी पतली भी चल जाएगी। मैंने अभी आपको दिखाती हूँ कौन सी लगाई हुई है, और बस उस ब्रांच को कुछ नहीं करना है आपको, जैसे ये है इस ब्रांच को यहाँ से काट लीजिए। काटना हमें कहाँ है, ये जो नोड है इससे थोड़ा सा नीचे से काटना है, इस जगह से मैं नहीं काट रही हूँ, थोड़ा सा स्लांटिंग काटते हैं ताकि जो बचा हुआ पोर्शन है उस पर पानी रुके नहीं और ये जो है इसका एरिया ज़्यादा हो जाता है रूट निकलने के लिए। तो स्लांटिंग थोड़ी सी काटेंगे ये नोड एरिया से, थोड़ा सा नीचे, इतना सा नीचे से, तो इतनी बस। ये अगर मुझे काटनी होती तो मैं ये काट लेती, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसमें ये बर्ड आ रही है इसलिए मुझे अभी ये नहीं काट रही हूँ। जो मैंने पुरानी काटी हुई है वो कैसे वो लगाई हुई दिखाती हूँ मैं आपको, आइए ये देखिए ये मैंने इसकी कटिंग लगाई थी, और इसको देखिए आप कितनी पतली कटिंग है, ये देखिए कितनी पतली कटिंग है ये। इसको मुझे लगाए हुए काफ़ी दिन हो गए हैं, तो मैं अब आपको इसको निकाल के दिखाती हूँ। देखिए मैंने इसको यहाँ से निकाला है ये खुरपी की हेल्प से, बहुत गहरी थी और इसकी जड़ें थोड़ी सी टूट गई हैं मेरी, बहुत लंबी लंबी जड़ें थी, ये देखिए ये जड़ें यहाँ से टूट गई हैं, ये टिप्स इनकी जड़ों की लंबी लंबी थी, और देखिए कितनी अच्छी रूटिंग हुई है इसमें, ये देखिए। तो ये गंधराज की कटिंग मैंने लगाई है और देखिए नई इनमें पत्तियाँ आनी शुरू हो गई हैं। मुझे लगता है इसको एक महीना से ऊपर हो गया है मुझे इसको लगाए हुए, और तो ये देखिए इसको बस कुछ नहीं करना है, जैसे मैंने ये कटिंग ली थी, ये कटिंग लेके देखिए कितनी पतली है, मैंने तो आपको थोड़ी मोटी कहा था, ये पतली कटिंग भी लगी हुई है। इतनी पतली कटिंग भी अगर बारिश का महीना है या बारिश के बाद का टाइम है आप अभी भी लगाएंगे तो कटिंग्स इसकी लग जाएंगी, अभी भी अच्छा ग्रोइंग सीजन चल रहा है। ज़्यादा सर्दी में लगाएंगे तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इसमें ऐसे कटिंग काट के और उसमें कटिंग में जैसे मैं कटिंग्स तो आपको ऐसे ये मैं रूटिंग हार्मोन थोड़ा सा ऊपर अलग निकाल के रखती हूँ, थोड़ा सा अलग एक आधे प्लांट में, फिर एक्स्ट्रा जो बचता है उसको हटा दो आप, ताकि एक ही रूटिंग पाउडर को अलग अलग कटिंग्स में आप ज़्यादा लगाते रहेंगे तो क्या होता है कि वो उस कंटेमिनेट हो जाता है, फिर आपकी जो कटिंग है उसमें भी कंटेमिनेशन हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है और वो फिर लगती नहीं है। तो हर बार आप एक थोड़ा सा रूटिंग पाउडर निकाल के अलग किसी चीज़ में लेके फिर लगाएं अपनी, और एक्स्ट्रा वाला जो थोड़ा सा बचता है बिल्कुल लिमिटेड लें, और जो थोड़ा सा बचता है उसे आप एक आधी बार यूज़ करें, बार ज़्यादा यूज़ नहीं करें। तो देखिए ये लेके इसमें मैंने कटिंग में ऐसे जैसे मैं अपनी फिंगर में जैसे ये कटिंग है तो इसमें ऐसे थोड़ा सा लगा दिया था नीचे, मैं आपको बताती रहती हूँ ऐसे डिप करके कटिंग को, ऐसे जैसे मैं फिंगर कर रही हूँ इसको आप कटिंग माने, ऐसे लगा के और एक्स्ट्रा को ऐसे टैप कर दिया, और फिर उसको इतना जो है मैंने देखिए इतना इसको ज़मीन के अंदर लगा दिया था, और ये डेढ़ महीना हो गया होगा शायद, दो भी पता नहीं मुझे, और ये देखिए इसकी रूट्स आ गई हैं, और अब मैं इसको
अलग छोटे से पॉट में लगा देती हूँ, क्योंकि ये जो मेरा ड्रम है इसमें अभी मुझे और सीड्स लगाऊंगी या फिर मैं इसमें सर्दियों के फूल लगा दूंगी पूरी क्यारी जैसे, तो बहुत सुंदर लगेंगे। इसमें मैं सोच रही हूँ फ्लॉक्स या कुछ ऐसा लगा दूंगी जैसा मेरे बैकयार्ड में। अब देखिए इसको मैंने, क्योंकि ये छोटी कटिंग है इसलिए अभी मैंने इसको छोटे गमले में लगाया है। जितना छोटा प्लांट है उसको आप छोटे गमले में लगाएं तो वो अच्छा ग्रो करता है, और अगर प्लांट छोटा है और आप बड़े गमले में लगाते हैं तो उसकी ग्रोथ कम होती है। इसका मैं आपको एक एग्जांपल भी दिखाऊंगी। मैं मेरे पास दो ऐसे गमले हैं, तो ये देखिए ऐसे इसको आप लगा लीजिए, और ऊपर की ये दो तीन पत्तियां छोड़ी थी मैंने, नीचे की सारी पत्तियां हटा दी थी, ऊपर की ये तीन पत्तियां ऐसे छोड़ी थी, तीन या दो छोड़ी थी शायद, ये भी नई आई हैं दो, और दो तीन पत्तियां ऊपर की आप छोड़ दीजिए, ऐसे लगा दीजिए। और कटिंग को हमेशा ऐसी जगह रखिए जहाँ, जैसे ये मेरा ड्रम है तो इसमें पानी रहता है तो मॉइस्चर रहता है अराउंड यहाँ पे। देखिए 12 बजे तक तो यहाँ छाया रहती है बिल्कुल, 12 एक बजे तक, और उसके बाद भी फुल अच्छी तरह धूप नहीं आके और ऐसे इसमें मॉइस्चर रहता है, इसलिए मैं कटिंग्स इसी में लगाती हूँ। देखिए ये रबर की भी छोटी सी कटिंग मैंने लगाई हुई है। ये फाइकस देखिए कितना बड़ा हो गया है फाइकस। ये आपको एक चीज़ दिखाऊँ, ये अडेनियम कितना अच्छा हो रहा है, क्योंकि अडेनियम को इनिशियल स्टेजेस पे अडेनियम को जो है वो ज़्यादा पानी और वो चाहिए होता है, बाद में उसको ड्राइनेस चाहिए होती है, शुरू में उसको खाद भी ज़्यादा चाहिए और थोड़ा मॉइस्ट चाहिए तभी बड़ा होता है वो, नहीं तो आप उसको सूखा रखना शुरू कर देंगे इनिशियली तो अडेनियम मर जाता है। ये देखिए ये वेरीगेटेड वाले फाइकस की कटिंग है, ये भी लग चुकी हुई है। और ये देखिए मैंने छोटे वाले जो जाफरी वाले थोड़े से ही लगाए हैं अभी, मेरे पास बहुत पड़े हैं, बाद में और लगा दूंगी, वो गेंदा लगाए हुए हैं। और ये देखिए ये जरबेरा की निकली हुई है, एक मैंने जरबेरा यहाँ लगाया था लेकिन वो बहुत जल्दी लगा दिया था, वो उस टाइम टाइम नहीं था उसका, तो अब देखिए मैंने दूसरा एक फ्लावर लेके यहाँ लगाया है तो यहाँ इनकी अब देखिए स्प्राउटिंग शुरू हो रही है। मेरे बहुत से व्यूअर्स ने कहा आप जरबेरा की दिखाइए पौध, तो देखिए ये जरबेरा की पौध लग गई है मेरी। यहाँ जो लगाई थी वो जल्दी लगा दी थी, वो मौसम नहीं था आपको सिर्फ डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, अब यहाँ लगाई है तो ये पौध लगी है ये देखिए। और ये उसकी एक मैं और आपके एक दो और पौध दिखाती हूँ आपको मैं, तो देखिए और देखते हैं अभी अपन। ये देखिए ये जो बोगनवेलिया की कटिंग है इसमें देखिए फ्लावर भी आना शुरू हो गए हैं। अब मैं इसको रिपोर्ट करूंगी और उस रिपोर्टिंग की भी वीडियो बना दूंगी, शाम के टाइम करूंगी, अभी मॉर्निंग है। ये देखिए फूल आ रहा है इसमें। उस दिन मैंने हाउ टू सो सीड्स बनाए थे, दो तीन वीडियोस बनाई थी, उनमें मेरे को बार बार आ रहे हैं, क्वेरीज आ रही हैं कि वो उनकी पौधा आप दिखाइए, तो देखिए मैंने अपना इनमें किसी में भी नाम नहीं लिखा था क्योंकि मैंने सिर्फ डेमोन्स्ट्रेट आप लोगों को बताने के लिए एक्चुअली मैं वीडियो बना लेती हूँ, और बस मैंने ध्यान ही नहीं दिया, बड़े होंगे तो अपने आप पता चल जाएगा, तो मैंने इनमें किसी में भी नाम नहीं लगाया। तो ये देखिए ये वाली पौध तो इतनी बड़ी हो गई है, और ये वाले भी देखिए ये वाले भी आ गए हैं प्लांट्स। एक्चुअली क्या होता है, जो हम सीड बाजार से खरीद के लाते हैं उनकी वायबिलिटी कितनी है, वो कितने अच्छे हैं, उस पर डिपेंड करता है कि आपकी कितनी स्प्राउटिंग हुई है। आप लोग जो मीडियम के लिए पूछना चाह रहे थे तो मैं ये दिखा रही हूँ, देखिए ये अगर मीडियम आप कितना भी अच्छा ले लें और अगर आपका सीड अच्छा नहीं है, वो वायबल नहीं है, जिंदा सीड नहीं है, तो उसमें पूरी ताकत नहीं है उगने की, तो वो सीड नहीं उगेगा, आप कितना भी अच्छा मीडियम ले लीजिए। तो ये देखिए ये सीड्स ये उग गए हैं, और इसमें भी देखिए ये वाले में भी थोड़े थोड़े आने शुरू हो गए हैं प्लांट्स, क्योंकि हर सीड का थोड़ा अलग होता है टाइम। और इस वाले में अभी ये भी थोड़ा ड्राई भी हो रहा है, इसमें ये एक दिख रहा है मुझे अभी, और बाकी अभी आ जाएंगे क्योंकि हर सीड का जर्मिनेशन टाइम भी थोड़ा अलग होता है। और ये देखिए ये मैंने एनुअल क्रेजेंथिमम लगाए हुए हैं, ये नीचे भी मैंने एक गमले में लगाए हूँ, बहुत सारे हैं ये बहुत इजीली उग जाते हैं, कहीं भी आप लगा लो गेंदा और एनुअल क्रेजेंथिमम। और ये नास्ट्रेशियम के लगाए हुए हैं, ये पिछले साल के जो सीड मैंने अपने प्लांट में से निकाले थे, अब ये ज़्यादा ही बड़े हो गए हैं, इनको मैं अब रिपोर्ट करूँगी लेकिन इवनिंग में करूँगी, अभी सुबह है मुझे टाइम नहीं मिल रहा दिवाली के कारण, तो ये बड़े होते जा रहे हैं, बहुत बड़े हो गए हैं अभी, तो इनको भी अब मैं रिपोर्ट करूँगी। तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको अपने सीड्स जो लगाए थे वो दिखा दिए, और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है कटिंग आप जरूर लगा लीजिए। गंधराज बड़ा सा अच्छा सा
प्लांट है, लोगों के जिंदा भी नहीं रहता है, बहुत मुश्किल, वैसे ज्यादा केयर नहीं मांगता है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी गलती से ये मर जाता है। तो अगर आप गंधराज की कटिंग किसी के यहाँ से ला के लगा लें तो ये अच्छा टाइम है, अभी भी ये लग जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।